दोस्तों चैट जीपीटी ने तहलका मचा दिया है पूरी दुनिया में यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसको सारी दुनिया ने यूज करना शुरू कर दिया है और इतने बड़े स्केल पे यूज करना शुरू कर दिया है किस स्केल की बात कर रहे हैं हम वन मिलियन यूजर्स सिर्फ पांच दिन के अंदर आ गए थे चैट जीपीटी में हिस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सर्विस या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के इतना फास्ट इतने सारे यूजर्स नहीं आए हैं पॉपुलर तो डेफिनेटली बहुत हो गया है ये चैट लेकिन इसके साथ साथ आ गई है काफी सारी डिबेट्स कि क्या यह एक यूजफुल टूल होने वाला है लोगों के लिए जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो सके या फिर यह बहुत सारी जॉब्स को ही खा जाएगा दूसरी डिबेट एक मशीन को मशीन की तरह काम करना चाहिए लेकिन यह ह्यूमन की तरह बिहेव करता है इसने अपने बायसेस दिखाए हैं फीलिंग्स दिखाई हैं लोगों के लिए सो so, इस वीडियो में हम चैट जीपीटी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं क्या है कैसे काम करता है किस तरीके से हम इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं साथ में इसके क्या फ्लॉज हैं किस तरीके के बायसेस क्रिएट करता है इसके साथ साथ कौन कौन सी जॉब्स आने वाले टाइम में रिस्क पे हो सकती हैं चैट जीपीटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और हमें कैसे रेलेवेंट रहना है ट्वेंटी में जिससे हमारी जॉब पे खतरा ना हो एक्शनेबल पॉइंट की बात करेंगे वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा बने रहिए तो क्या है आखिर ये चैट जीपीटी जिसके बारे में इतना हल्ला हो रहा है चलिए इसी से पूछ लेते हैं कि आखिर चैट जीपीटी क्या है तो इसने आंसर दिया है आई एम चैट लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड ओपन ओपन इसकी पेरेंट कंपनी है इसका एक और बड़ा फेमस प्रोडक्ट है जिसे डेल ई e बोलते हैं जो इमेजेस जनरेट करता है चैट जीपीटी आपको टेक्स्ट फॉर्म में आंसर्स देता है हालांकि ये जो इसने एक्सप्लेन करी है डेफिनेशन ये थोड़ी सी मुश्किल है इसको मैं आपको थोड़ा सा और आसान कर देता हूं आप इसको स्मार्टर वर्जन ऑफ गूगल समझ सकते हैं जैसे आप गूगल से कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको बहुत सारे लिंक्स दे देता है चैट आपको स्मार्ट आंसर आंसर देता है है एक सिंगल दे रहा है. तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में चाहू इसका आंसर तो ऐसा करते हैं इस सवाल को ही बदल देते हैं एक्सप्लेन चैट जीपीटी टू अ चाइल्ड तो देखिए इसने जो अपना आंसर है बड़ा सिंपल कर दिया है अब हाई देर आई एम चैट जीपीटी प्रोग्राम दैट लव्स टू टॉक एंड आंसर क्वेश्चन स्मार्ट रोबोट फ्रेंड दैट कैन आंसर एनी क्वेश्चन यू हैव तो इसने अब एक बच्चे के लिए इतना सिंप्लीफाइड आंसर कर दिया है तो हम कैसे सवाल पूछ रहे हैं उसके हिसाब से ये जवाब दे रहा है अब जानते हैं चैट जीपीटी इतना पॉपुलर इतना फास्ट क्यों हो गया आखिर क्योंकि ये जो रिजल्ट्स दे रहा है वो काफ़ी एक्यूरेट हैं एक्यूरेसी लेवल बहुत ही हाई है ये इतना हाई है कि ये ट्यूरिंग टेस्ट भी पास कर लेता है यानी कि जो मशीन जवाब दे रही है वो ह्यूमन जैसे ही लगते हैं एक ह्यूमन के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वो जवाब किसी ह्यूमन ने दिया है या फिर मशीन ने दिया है तो क्यों ना इसको अलग अलग यूज केस के लिए ट्राई किया जाए चलिए बिजनेस के लिए कुछ ट्राई करते हैं अगर एच में मुझे किसी की हायरिंग करनी है और मैं एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ जनरली मैं कैसे लिखूंगा उसको शायद बहुत सारे टेम्पलेट्स निकालूंगा इंटरनेट पे जाऊंगा स बारह मैं टेंट्स उठाऊंगा उसमें से मैं फाइनल करने की कोशिश करूंगा फिर उसके बाद मुझे उसको ग्रामेटिकल एरर्स के लिए या स्पेलिंग एरर्स के लिए भी चेक करना पड़ेगा ओवरऑल उसका थीम कैसा जा रहा है उसके बारे में चेक करना पड़ेगा क्या यह मेरे लिए एक अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन लिख सकता है ट्राई करते हैं एक बार राइट अ जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर कॉन्टेंट एसोसिएट इनफैक्ट यहां पे इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्यों ना हम यहां पे क्रिएटिव जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दें लोग बोलते हैं कि ये क्रिएटिव नहीं है देखते हैं कि क्या ये क्रिएटिव है क्या ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन बना सकता है आई यू अ टैलेंटेड राइटर विद अ पैशन फॉर क्रिएटिंग एंगेजिंग कॉन्टेंट डू यू हैव एक्सपीरियंस इन डिजिटल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग आई यू लुकिंग फॉर एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ डायनेमिक टीम ऑफ क्रिएटिव प्रोफेशन इफ सो वी वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू देखिए इसने एक पहले हुक क्रिएट किया है कि इंटरेस्ट बने लोगों का इसमें अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ये काफी क्रिएटिव है और अगर आप इसके पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे रिक्वायरमेंट्स देखेंगे काफ़ी अच्छा लिखा है अब मेरे लिए ये एक बहुत ही अच्छा टेम्पलेट बन गया है जिसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कस्टमाइज़ करने में मुझे कितना टाइम लगेगा मे बी पांच मिनट लगेंगे अब मैं इसको पर्सनली कैसे यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे अपना ट्रैवल प्लान बनाना है तो क्या ये मेरे लिए ट्रैवल प्लान बना सकता है डेफिनेटली टिकट्स तो मैं बुक कर लूंगा किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां कौन कौन सी जगह घूमनी है एक प्रॉपर आइटिनररी बनाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है इनफैक्ट जब मुझे अंडमान जाना था तो मैंने अपनी आइटिनररी बनाई और मेरे को रिसर्च करने में ऑलमोस्ट एक दिन चला गया मेरा पूरा संडे उसमें ही खप गया क्या ये मेरे लिए एक अंडमान का अच्छा प्लान बना सकता है ट्राई कर लेते हैं मेक अ सेवन डे आइटिनररी फॉर अंडमान स्टार्टिंग फ्रॉम डेली देखते हैं क्या जवाब देता है ये अब देखिए इसने मेरे लिए प्रॉपर सेवन डे आइटेनर बना दिया है डे वन फ्लाई फ्रॉम डेली टू पोर्ट ब्लेयर डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल चेक इन टू योर होटल एंड रेस्ट फॉर अ वाइल अब इसको पता है कि जो पोर्ट ब्लेयर बंदा पहुंचेगा वो डायरेक्टली हैवलॉक आईलैंड पे नहीं जा पाएगा क्योंकि वहां से फेरी लेनी पड़ती है अब देखिए इसने मेरे लिए सारे वहां के जो जो मेन मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन हैं वो सारे हाईलाइट कर दिए हैं सेल्युलर जेल है रॉस आइलैंड है नॉर्थ बे आइलैंड है हैवलॉक आइलैंड है हैव और बाकायदा कब मेरे को फेरी पकड़नी है और कब मेरे को वापस आके पोर्ट ब्लेयर में रुकना है या फिर हैवलॉग में रुकना है एक एक चीज इसने मेरे लिए बना के रख दी है अब डेफिनेटली मैं इसको भी कस्टमाइज कर सकता हूं अपने हिसाब से लेकिन जो मेरे लिए इनिशियल रिसर्च करनी थी वो बहुत सेकेंड्स के अंदर इमीजिएटली हो गई और क्या पर्सनल यूज केस हो सकता है अगर मेरे को अपने बच्चे के लिए सॉन्ग लिखना है तो क्या ये मेरे लिए सॉन्ग लिख देगा वो ट्राई कर लेते हैं राइट अ बर्थडे सॉन्ग फॉर सन who is turning 7 okay it is your special day you are turning 7 you have grown up so fast it's like heaven you are smart you are kind you are funny too you are we are so proud of everything you do proper rhyme kar raha hai और जो इसको मैंने prompt दिया है कि सेवन years का वो होने वाला है वो उसको ध्यान में रखते हुए बना रहा है और बकायदा chorus verse टू बकायदा इसने मेरे लिए पूरा एक सॉन्ग लिख दिया है और सोचिए ये एक क्रिएटिव काम है अगर सॉन्ग लिखना होता है किसी आर्टिस्ट को वो एक दिन दो दिन एक हफ्ते का भी काम हो जाता है कई बार तो ये तो हमने कुछ इससे ऐसे सवाल पूछे जो ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं लेकिन क्या ये लेटेस्ट चीजों पर भी काम करता है क्यों ना इसी से हम पूछ लें कि चैट जीपीटी और गूगल बार्ड में कौन सा बेटर है चैट जीपीटी एंड गूगल्स बर्ट बर्ट हमने तो बार्ड लिखा था ये बर्ट की बात कर रहा है बेस्ड लैंग्वेज मॉडल बार्ट बोथ हैव देयर यूनिक स्ट्रेंथ एंड एप्लीकेशन एंड इट्स चैलेंजिंग टू से विच वन इज़ बेटर ओवरऑल देखिए ये कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है बड़ा ही न्यूट्रल जवाब देने की कोशिश कर रहा है और दूसरा इसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है ही नहीं मैंने इससे पूछा है गूगल बार्ड के बारे में ये मुझे बता रहा है बर्ट के बारे में ऐसा क्यों है क्योंकि सितंबर 2021 तक का ही डेटा है इसके पास सो so, ये तो एक करंट फ्लॉ डेफिनेटली है ही चैट जीपीटी का कि ये सारे एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है स्पेशली जो 2021 के बाद का है उस ट्वेंटी तो ये डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट नहीं देता है इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा फ्लॉ है वो है बायस्ड का लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया है कि ये जो रिजल्ट्स देता है वो कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं स्पेशली जब जवाब थोड़े से पॉलिटिकल होने शुरू हो जाते हैं राइट विंग वालों का कहना है ये जो भी जवाब देता है वो लेफ्टिस्ट जवाब देता है यानी कि इसका जो एक ओपिनियन है वो लेफ्ट

फ्लॉज हैं और ये जो बाइसिस हैं इनको वो रिमूव करने की कोशिश करेंगे सो so ये हमने चैट जीपीटी के फायदे नुकसान तो समझे लेकिन अब एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक निकल के आ रहा है या फिर खतरा निकल के आ रहा है वो है जॉब्स एट रिस्क का कि क्या बहुत सारी जॉब्स इसकी वजह से चली जाएंगी एक पीडब्ल्यू की रिपोर्ट के हिसाब से थर्टी जॉब्स को ऑटोमेट किया जा सकता है बाई ट्वेंटी और 44% लोग जो लो एजुकेशन वाले लोग हैं उनकी जॉब्स जा सकती है बिकॉज ऑफ ए आई एंड ऑटोमेशन लेकिन ये खाली डूम एंड ग्लूम स्टोरी नहीं है हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो सेक्टर्स हमेशा शिफ्ट होते रहे हैं किसी सेक्टर के अंदर जॉब्स जाती हैं तो नए सेक्टर्स के अंदर जॉब आती हैं पहले एग्रीकल्चर में मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड होते थे इनफैक्ट अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले की बात करें उसके बाद पहले मैनुफेक्चरिंग में ज्यादा जॉब्स आनी शुरू हुई इसका मतलब एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई तो अगर लोगों ने अपने आप को रीस्किल कर लिया जिन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग का काम सीख लिया उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सर्वाइवल भी हुआ और साथ में वो लोग थ्राइव भी हुए उन लोगों ने अच्छा पैसा भी कमाया सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जॉब लॉसेस हुए तो लोग सॉफ्टवेयर पे मूव कर गए आईटी सेक्टर के अंदर इतनी सारी जॉब्स क्रिएट हो गई तो ये सेक्टर्स हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं आने वाले टाइम में एक McKinsey की रिपोर्ट के हिसाब से आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर तो ज्यादा ही जॉब्स क्रिएट होंगी सिमिलरली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे सो so, अब अब बात करते हैं बहुत बड़े सवाल की कि आखिर कौन कौन सी जॉब्स रिस्क पे आ जाएंगी और उसका क्या निवारण हो सकता है आखिर देखिए ऐसी जो भी जॉब्स हैं जो रूल बेस्ड होती हैं यानी कि जो रेपिटेटिव होती हैं एक ही काम किसी को एक ह्यूमन को बार बार करना पड़ता है वो डेफिनेटली ऑटोमेट हो सकती है इनफैक्ट वही सबसे पहले ऑटोमेट होती है चाहे हम फिजिकल मशीन्स की बात करें या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात लेकिन जैसा हमने हिस्टोरिकली देखा है अगर एक सेक्टर में जॉब जाती हैं तो दूसरे सेक्टर के अंदर जॉब आती हैं हमें ये पता लगा के रखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है कहाँ पे हमारा स्किल सेट अच्छे से यूज हो सकता है कौन सा हमारा इंटरेस्ट एरिया है तो इसके लिए हमें चार चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में अभी हम आने वाले पांच दस साल की तो डेफिनेटली बात कर सकते हैं लेकिन उसके आगे कैसा फ्यूचर होगा वो तो मुझे भी नहीं पता है मे बी दस साल बाद हम नए सोल्यूशन ढूंढेंगे उस टाइम की प्रॉब्लम के लिए लेकिन आने वाले पांच दस सालों के लिए हम इन चार चीजों पर फोकस कर सकते हैं नंबर वन ह्यूमन क्रिएटिविटी अब यहां पे ह्यूमन क्रिएटिविटी का आखिर क्या मतलब है देखिए एक जो मशीन है उससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हम नॉलेज लेना चाहते हैं जो वो बहुत अच्छा दे सकती है किसी भी ह्यूमन से और वो अच्छा काम करती ही रहेगी और साथ में उस इंफॉर्मेशन को वो क्रिएटिव तरीके से भी दे सकती है वो एक क्रिएटिव सॉन्ग लिख सकती है वो एक क्रिएटिव पोएम लिख सकती है जो एक आर्टिस्ट का मेन ब्रेड एंड बटर है लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंस हम फिर भी देखना चाहेंगे सुनना चाहेंगे अगर मेरे को ट्रैवल आइटेनररी इसने बना के दे दी अंडमान की तो वो मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन है लेकिन मैं फिर भी रिव्यूज पढ़ना चाहूंगा लोगों के ब्लॉग्स पढ़ना चाहूंगा लोगों के वीडियो देखना चाहूंगा कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो अंडमान में जहां जहां देखने गए उसमें कौन सी चीज उनको अच्छी लगी ये ह्यूमन एक्सपीरियंस में डेफिनेटली देखना चाहूंगा और हमने जो अपने दूसरे एग्जांपल्स भी लिए थे अगर कोई कोडर है तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है ये टेक्नोलॉजी ने अच्छा काम किया था इस टेक्नोलॉजी ने इस चीज में अच्छा काम किया था ये जब चीजें उसकी इन्वॉल्व होंगी उसके काम में तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ जाएगी सेकेंड पॉइंट क्रिटिक थिंकिंग अब चैट जीपीटी हमें बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे सकता है लेकिन किसी को वो स्मार्ट क्वेश्चन तो पूछने हैं, जैसे हमने देखा वट इज चैट जीपीटी का आंसर हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन जब उस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो उसने इजी फॉर्म में हमें आंसर दे दिया तो इस तरीके के अच्छे क्वेश्चंस एक ह्यूमन ही पूछ सकता है दूसरा आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक बड़ी पजल होती है जिसके अंदर हमें छोटे छोटे पार्ट्स फिट करने होते हैं सो so, इस पूरे पजल को सॉल्व करने के लिए ये जो छोटे छोटे पार्ट्स जोड़ने होंगे ये अभी भी ह्यूमन ही करेगा सो so, अपनी जॉब में आप अपने इस क्रिटिकल थिंकिंग वाले एलिमेंट को जरूर यूज कीजिए और साथ में अगर आपके स्किल्स अभी नहीं है इस लेवल पे तो आपको ये बढ़ाने चाहिए तीसरा डिसीजन मेकिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है चैट जीपी आपके लिए डिसीजंस नहीं ले रहा है डिसीजंस ह्यूम ही लेंगे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी एआई टूल से लोगोज बनवाए उसने मेरे को चार डिफरेंट ऑप्शंस दिए अब उसमें से मुझे यह तो डिसाइड करना है ना आखिर कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा बेटर लग रहा है या फिर अगर उसमें मुझे कुछ कस्टमाइजेशन करना है वो तो मुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा अगर सॉन्ग मैंने लिखवाया तो क्या वो सॉन्ग अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है उसके अंदर कुछ कस्टमाइज करना पड़ेगा वो तो मुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा सो so, वो सब लोग जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहेंगे वो रेलिवेंट डेफिनेटली रहेंगे आने वाले टाइम में नंबर फोर अपस्किल और रीस्किल यानी कि अगर हम आज की डेट में रेपिटेटिव टास्क कर रहे हैं कोई रूल बेस्ड काम कर रहे हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है जैसे हमने कंटेंट में बात की अगर वो एक बेसिक ड्राफ्ट लिख के मुझे दे रहा है तो क्या मैं उसे अच्छे से कस्टमाइज कर सकता हूँ क्या मैं अपना कुछ एडिशनल वैल्यू ऐड कर सकता हूं या फिर उसको मैं एडिट अच्छे से कर सकता हूँ ये सारे वैल्यू एडिड स्किल्स हमें डालने होंगे सिमिलरली हर जॉब के अंदर अब स्किल हमें करना होगा इसके साथ साथ बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल ही जॉब्स खत्म ही हो जाएं। उस केस में उन्हें रीस्किल भी करना पड़ सकता है कोई नई स्किल भी सीखनी पड़ सकती है तो आने वाले टाइम में कौन सी स्किल्स अच्छी होंगी इसके बारे में हमें पता होना चाहिए इसके बारे में हमें पढ़ते रहना चाहिए और पढ़ते रहना भी इनफैक्ट एक बहुत अच्छी स्किल है और आज की डेट में ये तो कंपलसरी हो गया है कि हमें अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा अब ये एक चॉइस की बात नहीं है ये कंपल्शन हो चुका है अब रही बात चैट जीपीटी के एप्लीकेशन की आज की डेट में इस वीडियो को हम एंड करेंगे सैम ऑल्टमैन जो ओपन ए के सीईओ हैं उनके ट्वीट से चैट जीपी टी इज इनक्रेडिबिली लिमिटेड बट गुड एनफ एट सम थिंग्स टू क्रिएट अडिंग इम्प्रेशन ऑफ ग्रेटनेस इट्स अस्टेक टू बी रिलाइंग ऑन इट फॉर एनीथिंग इम्पोर्टेंट राइट नाउ आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू एड जरूर मिला होगा आई एम श्योर आपके काफी सारे दोस्त और फैमिली मेंबर्स भी ऐसे होंगे जो चैट जीपी टी को लेकर कंफ्यूज होंगे उसके बारे में अपनी कोई ना कोई ओपिनियन बनाना चाहते होंगे तो उनके साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए तो मिलते हैं अगले एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में तब तक सीखते रहिए कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए